हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब आप एक्सेल पर वर्क करते हैं तो कभी कभी आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। अब सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सेल शीट ओपन है, यहाँ पर हमको सेकंड लिखना है या फर्स्ट लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट, ये देखिए ये लिखा फर्स्ट, और जैसे ही फर्स्ट लिखा तो ये एस टी को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये एस टी को ऊपर जाना चाहिए जो कि ये नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स को ओपन करना है। जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू आपको दिखेगा, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट दिखेगा और सुपरस्क्रिप्ट भी दिखेगा। तो ये सुपरस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे टिक करके और ओके कर दीजिएगा। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट आ चुका है। अब यहाँ पर इसको अगर हम ड्रैग करते हैं तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, ये अपने आप आता चला जाएगा और ये सुपरस्क्रिप्ट स्टाइल है, ठीक है। यही चीज अगर आपको ऐसे लिखना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए टू लिखना है तो टू को नीचे आना चाहिए, तो नीचे ना आकर के ये एकदम इसके बगल में आ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना है, यानी केवल और केवल टू को सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके और यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स पे आना है। जैसे ही आते हैं तो ये सब स्क्रिप्ट ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर के ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ए टू आ रहा है, तो अब यहाँ पर ए थ्री, बी थ्री ऐसे करके यहाँ पर ये आता चला जाएगा लाइन से, देख सकते हैं। तो ये हो गया सबस्क्रिप्ट और ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट। आई होप की बात समझ आई होगी।